बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जब आप क्रिएट न्यू पर प्रेस करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। पहले मैं आपको विड्थ डिफ़ाइन करनी है। आप इसको यहाँ से क्लिक करके पिक्सल्स में भी ले सकते हैं, सेंटीमीटर में भी, मिलीमीटर में भी, पाइकस में भी, आपकी अपनी चॉइस है। कुछ भी सिलेक्ट करके आप चूज़ कर सकते हैं। नीचे जो है आप इसकी ओरिएंटेशन दे सकते हैं, आपको पे आर्ट बोर्ड पोर्ट्रेट में चाहिए या लैंडस्केप में चाहिए या कितने आर्ट बोर्ड चाहिए, यहाँ पर आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये ब्लीड है, इसमें टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, ये प्रिंटिंग के लिए होती है। ये एक्स्ट्रा स्पेस देते हैं हम ताकि प्रिंटर जो है जो उसका एक्चुअल साइज़ में उसको ट्रिम कर सके। अगर हम यहाँ मोर सेटिंग्स पे क्लिक करें तो ये यहाँ तक तो वही ऑप्शन है जो मैंने बताए। ये कलर मोड में RGB आ रहा है और CYMK आ रहा है, तो RGB वेब के लिए होता है और CYMK जो है वो प्रिंटिंग के लिए होता है। 72 PPI, यहाँ से आप क्रिएट डॉक्यूमेंट करेंगे तो डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो ब्लैक एरो है ये सिलेक्शन टूल है। वी आप कीबोर्ड पे प्रेस करेंगे तो एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, उसको ए से एक्सेस कर सकते हैं। ये रेक्टेंगल टूल है और ये पेन टूल है। तो मैं पेन टूल के बारे में आपको आज की क्लास में नहीं बताऊँगा, पेन टूल के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन इसके अंदर एक टूल है जो हम यूज़ करेंगे आज, जो हम शेप ड्रॉ करेंगे आपको सिखाने के लिए, एड एंकर पॉइंट टूल। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, उसके ऊपर प्लस का साइन बना हुआ है। बाकी पेन टूल की क्लास जो है वो बिल्कुल एक सेपरेट क्लास होगी और मैं आपको ट्रिक बता दूंगा किस तरह 2-3 घंटे आप उससे प्रैक्टिस करें तो आप पेन टूल चलाना सीख सकते हैं। ये एंकर पॉइंट टूल है, एड एंकर पॉइंट टूल। तो हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, सिलेक्शन टूल, रेक्टेंगल और एड एंकर पॉइंट यूज़ करके कोई शेप ड्रॉ करेंगे। अगर मैं एक दफ़ा आर्ट बोर्ड पे क्लिक करूं तो ये आपसे विड्थ एंड हाइट पूछेगा, आप कोई भी विड्थ एंड हाइट दे दें, ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर देगा। दूसरा तरीका रेक्टेंगल ड्रॉ करने का ये है, इसको पकड़ के आर्ट बोर्ड पर ड्रैग करें तो रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा। आप सिलेक्शन टूल लेके इसे मूव कर सकते हैं, अपने आर्ट बोर्ड पे कहीं पे भी रख लें। इसको सिलेक्शन टूल लेके इसके विजेट को ड्रैग कर सकते हैं, सिलेक्शन टूल से डबल क्लिक करें इसके एंकर पे, इसको आप इसका एंकर डिलीट कर सकते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। इसको इस तरीके से पकड़ के डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप ज़रूरत के मुताबिक बॉक्स को ड्रैग भी कर सकते हैं। जब देखें आप अपना माउस लेके जाएंगे और कोई सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए, नीचे एरो, वाइट एरो के नीचे स्क्वायर आ रहा है ब्लैक सा छोटा सा, इस वक्त आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, ये है तरीका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से रेक्टेंगल ड्रा करने का, ड्रैग करने का। अब अगर मैं देखें, इसको रोटेट भी कर सकते हैं आप सिलेक्शन टूल से, ब्लैक एरो से इसको रोटेट कर सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं। एंकर पॉइंट लेके, ऐड एंकर पॉइंट टूल लेके मैं यहाँ पे एक एंकर ऐड कर दूंगा। देखिए ये एंकर ऐड कर दिया। अब जब ऐड कर दें तो प्लस का साइन आ रहा होता है। अब अगर मुझे इसे डिलीट करना है तो मैं ऑल्ट दबाऊंगा तो इस पर माइनस का साइन आ रहा होगा। आप इस माइनस, अब इस पर क्लिक करेंगे तो ये एंकर डिलीट हो जाएगा। ये देखिए डिलीट हो गया। ये डिलीट हो गया, ठीक है। तो मैं जो हूँ
ये सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और ये ऐड एंकर पॉइंट और रेक्टेंगल को लेके एक शेप ड्रॉ करता हूँ, बल्कि मैं एक पेंसिल बनाता हूँ। आप जो है उस बिल्कुल भी बेसिक सी, बिल्कुल ये चार टूल्स यूज़ करके मैं पेंसिल बनाऊँगा। कोई भी फैंसी पेंसिल नहीं है, ना ही ये रियलिस्टिक दिखने वाली पेंसिल होगी। सिर्फ मैं एक शेप ड्रॉ कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए किस तरीके से आप रेक्टेंगल टूल और जो है सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आप यूज़ कर सकते हैं। ये टूल मैं बारी बारी आपको बताऊँगा, और बाकी जो पेन टूल के अंदर टूल्स हैं उसकी पूरी एक अलग क्लास रखूँगा। मैं आपको ट्रिक बताऊँगा किस तरह आप 3-4 घंटे प्रैक्टिस करके पेन टूल चलाना सीख सकते हैं। एक वेबसाइट है, उसका एड्रेस दूंगा आपको, तो उस पर जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पेन टूल की क्लास सेपरेट होगी, और टेक्स्ट टूल की क्लास पहले ही मैंने वीडियो डाल दी है, तो आप वहाँ से टेक्स्ट टूल देख सकते हैं किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो इन सिर्फ 4 टूल्स को यूज़ करके हम जो है कोई शेप ड्रॉ करते हैं, ताकि जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। बिल्कुल बेसिक सी एक शेप ड्रॉ करता हूँ, ताकि जो है आप आसानी से इस टूल को समझ लें। देखिए, मैं ये एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। अब मैं सिलेक्शन टूल लेके, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके ऑल दबा के, इस जब प्लस का साइन आ रहा होता है आप कॉपी बना सकते हैं, तो मैंने ऑल दबा के इसकी एक कॉपी निकाल ली। अब देखें, मैं सिलेक्शन टूल लेके इसे छोटा कर दूंगा, और इसको यहाँ इसके सामने रख दूंगा। अगर शिफ्ट दबाएंगे तो ये इसके साथ इंटरसेक्ट हो जाएगा, स्नैप हो जाएगा। अब देखिए, मैंने यहाँ पेन टूल लेके ऐड एंकर पॉइंट टूल लेके एक बीच में पॉइंट ऐड कर दिया। ऑल दबा के मैंने दूसरे 2 पॉइंट्स को डिलीट कर दिया। सिलेक्शन टूल लेके मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा। अब इसमें हम ब्लू कलर डाल देते हैं, ये इसमें मैंने ब्लू कलर डाल दिया। विंडोज़ में जाके, स्वाचिस में जाके, इसमें मैं वाइट बल्कि ब्राउन कलर डाल देता हूँ, लाइट ब्राउन। इसको सेलेक्ट करके ऑल दबा के इसकी एक कॉपी बना लेंगे हम, और इसी को छोटा करके इसके ऊपर पेंसिल पर रख दूंगा, ताकि हम जो है पेंसिल के ऊपर स्ट्राइप्स बना दें। ठीक है, ये बिल्कुल ही बेसिक सी पेंसिल है। अगली वीडियो में आपको मैं एक रियलिस्टिक दिखने वाली पेंसिल ड्रॉ करके उसकी वीडियो डाल दूंगा, आप वो भी देख लीजिएगा। ये मैंने इसमें मैं वाइट कलर डाल देता हूँ, यहाँ से डालता हूँ स्वाचेस से, ये मैंने डाल ली। अब इस ऑल दबा के मैं इसकी एक कॉपी बनाऊँगा और कंट्रोल डी कर दूँगा, ताकि इन स्ट्राइप्स के दरमियान इक्वल स्पेसिंग आए। अब मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँगा। शिफ्ट दबा के रखेंगे तो प्रोपोर्शनली सर्किल बड़ा होगा, लेकिन मुझे इतना बड़ा नहीं चाहिए, मैं इसको छोटा कर देता हूँ। सिलेक्शन टूल लेके मैं इसको एडजस्ट कर लूँगा, और इसमें हम कोई कलर फिल कर देंगे। इसको मैं थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेता हूँ। अब इसमें मैं कलर फिल कर दिया, इसको अरेंज सेंड टू बैक कर दें, राइट क्लिक करके अरेंज सेंड टू बैक। अब मुझे इसकी टिप बनानी है आगे की पेंसिल की, कॉपी करके पेस्ट किया और इसको नो फिल कर दिया मैंने। इसको मज़ीद मैं एडजस्ट कर लूँगा, इसमें हम जो है ब्लैक कलर डाल देंगे,
दोबारा से सेलेक्ट करना पड़ेगा, ब्लैक कलर डाल देते हैं इसमें। ठीक है, इसकी टिप बहुत बड़ी है, छोटी कर देते हैं थोड़ा, बहुत ज़्यादा छोटी हो गई। अगली वीडियो में मैं जो पेंसिल का डिज़ाइन बनाऊंगा, अगर आपसे ना बने तो कोई बात नहीं है, आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा पहले। ठीक है, तो ये मैंने डिज़ाइन, इसमें मैं ऐसा करता हूँ, इफ़ेक्ट में जाके स्टाइलाइज ड्रॉप शेडो डाल देता हूँ और इसको अब हम रोटेट कर लेंगे। ये देखिए रोटेट कर दिया इसको। ठीक है, इसकी आप कॉपी निकाल लें ऑल्ट दबा के और इसको ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ तो कॉपी बन जाएगी। इसमें कोई दूसरा कलर डाल दें, येलो डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा डिज़ाइन आपको बना के दिखाया है ताकि आप ये चार टूल यूज़ करके आपको पता लगे सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, रेक्टेंगल और ऐड एंकर पॉइंट टूल किस तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें कोई और कलर डाल दें, मैं इसकी टिप को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। बस ये होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर प्लीज़ अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी।